लोकसभा चुनाव की तारीख 25 मई जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशियों ने भी अपने तर्कश से तमाम बाण निकालने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने गांव हासाका, महेश्वरी, धारूहेड़ा और कापड़ीवास समेत कई गांव के बाद शाम को शहर में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं आयोजित कर तीसरी बार रिकॉर्ड बनाने के लिए वोट मांगे। इस चुनाव को अंतिम चुनाव बताकर राव कई बार भावुक भी नजर आते हैं। वहीं लोगों से कहते हैं, कहना नहीं चूकते कि हमेशा निजी हित की बजाय तुम्हारी लड़ाई लड़ी है। चुनाव तो चुनाव के तौर पे देख रहे हैं, चुनाव में कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। चुनाव को ऐसा करना चाहिए जैसे हमारा दुश्मन तोप लेकर खड़ा हुआ है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, लोग हमारे को समर्थन दे रहे हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का यही ध्येय है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश की तरक्की करें। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर रिजर्वेशन की बात आती है तो रिजर्वेशन की बात मजहब के तौर के ऊपर आती है। हमारा यही है कि भाई हम मजहब के तौर के ऊपर आइंदा भी रिजर्वेशन नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेंगे या रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे बिल्कुल इस तौर का इरादा नहीं है। हमारी सरकार करती जाएगी, इसकी जब कोई इरादा नहीं है। चुनाव तो चुनाव के तौर पर देख रहे हैं, चुनाव में कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। चुनाव को ऐसा करना चाहिए जैसे हमारा दुश्मन तोप लेकर खड़ा हुआ है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, लोग हमारे को समर्थन दे रहे हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का यही ध्येय है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश की तरक्की करें। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर रिजर्वेशन की बात आती है तो रिजर्वेशन की बात मजहब के तौर के ऊपर आती है। हमारा यही है कि भाई हम मजहब के तौर के ऊपर आइंदा भी रिजर्वेशन नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेंगे या रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे बिल्कुल इस तौर का इरादा नहीं है। हमारी सरकार करती जाएगी, इसकी जब कोई इरादा नहीं है। चुनाव तो चुनाव के तौर पर चलिए फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए।